रत्नावली महोत्सव में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जिसने बड़ी ही प्यारी पगड़ी सजाई है। इसका नाम है ऋत्विक, इसका नाम है, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इनके साथ पहुंचे हैं। तो ऋत्विक, सभी को हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, बाय बाय कर दो, ऐसे कर दो, चलो राम राम बोल दो सभी को, राम राम कर दो, जय कर दो, जय कर राम राम। हाँ बेटा, शर्मा गया। तो ये बहुत शर्मा रहा है। आप देख सकते हैं कि रत्नावली महोत्सव में जो बच्चों से लेकर बड़े तक हैं, जो वो अपनी पगड़ी सजा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणवी पगड़ी के जो रंग है इस महोत्सव में देखने को मिल रहे हैं, और जो हमारे कलाकार हैं वो भी पगड़ी बनवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे अंकल हैं, बात करते हैं कि ये कितनी तरह की पगड़ियां बांध सकते हैं और कब से ये अपनी सेवाएं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दे रहे हैं। तो सर स्वागत है आपका, क्या नाम है सर आपका? हमने भी राम राम और सारे दर्शक मेरा नाम सुभाष पकोशा है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में पढ़ता है और गांव भी काफी पॉपुलर है। नवीन विश्व हमारे लेखक है जो कि हरियाणा के तमाम गाने लिखता है। मेरा चांद लुगाहन है घूंघट की ओर में, उसमें एक स्टंजा आता है सुपर करात्र बापुना गांव पकोशा गया ही तो नवीन विश्व का इसी बहुना पावर कोट में और मेरा चांद लुकेहा है घूंघट की ओर में। तो सर आप कब से जो हरियाणवी पगड़ी और कितनी तरह की पगड़ी आप बांध देते हैं? वैसे तो मेरी उम्र लगभग 49 साल की होगी, मेरे दादाजी पगड़ी बांधते, मेरे पिताजी पगड़ी बांधते हैं, और पगड़ी है ना वो हरियाणा की मान शान सम्मान है, वो तो होती ही हुआ के लिए। और मैं यहाँ लगातार लगभग 10 साल से गीता जयंती समारोह हो चाहे किसी प्रकार का कार्यक्रम हो उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। कितनी तरह की पगड़ी है और जो रत्नावली महोत्सव में लोग किस तरह की पगड़ी ज्यादा पसंद कर रहे हैं? ये एक महोत्सव है, जैसे लगभग हरियाणा की जो मैं पगड़ी आप देख रहे हो स्टाइल, ये पूरे के पूरे हरियाणा स्टाइल पगड़ी है। और ये हमारे कोई भी विवाह शादी कार्यक्रम हो उसके अंदर भी बांध। सर जैसे देखा जाता है कि हरियाणा में बांगर क्षेत्र में अलग तरह का रीति रिवाज रहता है और दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस क्षेत्र में किस तरह की पगड़ी बांधी जाती है? ऐसा है ये बांगर तो आप कह रहे हैं क्षेत्रीय होता है जी। तो जैसे इरवाल के अंदर है उसके अंदर तो कुछ कलर हो जाता है, वो कुछ थोड़ा मॉडल चेंज कर देते हैं, और इसके बाद भिवानी का है वो थोड़ा कलड़ा अब क्षेत्र आ जाता है, उधर लुहारू शिवाने के लिए उसको आप रेतीला हरियाणा में लोग कहते हैं रेतीले पड़ा भैया तो टीपू उसके बागड़ के आदमी, और कलड़ी धरती वाले बीच के वाले भी आते हैं। तो ये अक्षेत्र के हिसाब से लोग, और अक्षेत्र के हिसाब से कहीं के कहीं खिंडवा कह दिया, कहीं खिंडका कह दिया, कहीं पगड़ी कह दी, कहीं साफा कह दिया, वो अपने हिसाब से जो बच्चा देख ले तो उस हिसाब से। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हरियाणा की शान है पगड़ी, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो लेकिन पगड़ी सिर पर आपको जरूर दिखेगी। पगड़ी शान ही नहीं है सम्मान भी है जी जी बिल्कुल। और बेटा कई बार आप देखते थे कि हरियाणा के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आधी उम्र जाया करते 302 के मुकदमे दर्ज हो जाया करते, तो उसमें लास्ट मोमेंट में यही आती थी जब हमारा कोई बुजुर्ग कहो प्रधान कहो वो अपने सिर के ऊपर के पगड़े उतार करके और किसी चरणों में रख देते थे कि भाई हमने अपने पगड़े उतार के अपने चरणों में रख दी है, मैं अपने सारे गुना मानता हूँ और आप अब हमें माफ कर दो, अगर माफ ना करो तुम्हारी पगड़ी को ठोकर मार के चले जाओ, तो किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती इस पगड़ी को ठोकर लगा देते। तो ये हरियाणा का मान सम्मान है और जीने का एक प्रतीक है। मैं सभी युवा साथियों से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में इस पगड़ी का क्रेज और भी ज्यादा बढ़ाए, अपने तीज त्योहार में बढ़ाए और अपने विवाह शादियों के संबंध में बढ़ाए, और ये एक अच्छी परंपरा है जो हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। और मैं आपने जो आपके युवा बहने हैं उनको से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो किसी भी गेम में हो चाहे कोई भी स्कूल का कॉलेज में हो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी की उसमें कम नहीं है, तो वो पगड़ी बनवाने में भी कम नहीं है, वो लड़कों से ज्यादा पगड़ी बना रही है। बिल्कुल सर, आज हम देख रहे हैं कि रत्नावली महोत्सव में जो युवतियां हैं वो ज्यादा अपने सिर पर पगड़ी सजाकर और रत्नावली महोत्सव में हरियाणा संस्कृति को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। आप भी आइए और सर से पगड़ी बनवाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।